तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम किसी भी पार्टी को पेमेंट करें या उससे पेमेंट रिसीव करें वो सेम डेट की हो, वो हो सकता है नेक्स्ट मंथ की हो या दो मंथ बाद की हो। ऐसी रिसिप्ट और पेमेंट की एंट्री को हम कैसे पास करें? कोई भी चेक जो हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं जिसकी पासिंग डेट फ्यूचर की है, ऐसे चेक को हम पीडीसी चेक कहते हैं और ये दोनों चीज़ पे एप्लीकेबल है, रिसिप्ट पे भी और पेमेंट पे भी। इस ऑप्शन को एप्लीकेबल करने के लिए हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फीचर्स एंड ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पर ऑप्शन है पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर, इसको अनेबल करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। डेमो के लिए एक रिसिप्ट की एंट्री को पास करते हैं, जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ पर डालेंगे, चेक नंबर डालेंगे। अब टाइप के अंदर हमसे दो चीज़ पूछ रहा है, रेगुलर या पीडीसी। अगर चेक सेम डेट का है तो एंट्री को रेगुलर करके पास करेंगे, वहीं चेक अगर फ्यूचर की डेट का है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पीडीसी और जो भी डेट उस चेक के ऊपर होगी वो यहाँ पर डालेंगे। बाकी जिस पार्टी से रिसीव हो रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। जिस बैंक में आप चेक को लगाने वाले हैं उसको डेबिट कर देंगे। अब एंट्री को देखेंगे कैसे, यहाँ पर मैं दोनों अकाउंट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले पार्टी के अकाउंट को ओपन करते हैं, यहाँ पर इंक्लूड पीडीसी एंट्रीज, इसको यस करेंगे और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जिस डेट पर आपने एंट्री करी वो यहाँ पर दिखेगी, जो चेक नंबर होगा वो यहाँ पर दिखेगा और जो भी पीडीसी डेट होगी चेक की वो यहाँ दिख रही है, चेक का अमाउंट यहाँ दिख रहा है। सेम चीज एसबीआई अकाउंट के अंदर भी आपको दिखेगी, डेट, चेक नंबर, पीडीसी डेट और चेक का अमाउंट। चेक रेगुलर करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट समरी के अंदर, पीडीसी डिटेल्स के अंदर। एंट्री यहाँ पर दिख रही है, इसको ओपन करेंगे। जिस भी डेट पर अब आप चेक को बैंक में लगाएंगे वो डेट यहाँ पर आएगी। यहाँ से टाइप को रेगुलर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चेक लगाते हैं और वो चेक 7 या 8 दिन बाद क्लियर होके आता है, तो ऐसे में हम एंट्री को कैसे मेंटेन करेंगे? जब आप अपने बैंक को रिकनसाइल करेंगे उस वक्त आप उस एंट्री को छोड़ के बाकी एंट्री को क्लियर करेंगे। अब क्योंकि वो एंट्री यहाँ से क्लियर नहीं हुई तो यहाँ पर आपको ये बार बार दिखेगी। जब भी ये एंट्री आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आए आप इस एंट्री की डेट चेंज करेंगे और तब इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे। इससे होगा ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मैच रहेगी, प्लस आप एक पीडीसी चेक की प्रॉपर एंट्री कर पाएंगे।